सो फाइनली दोस्तों लाहौर 1947 वर्सेस स्काई फोर्स, अक्षय कुमार नहीं सुधरेंगे। अक्षय कुमार ने दोस्तों आखिरकार गलती फिर से एक बार कर दी है, और वो क्या गलती कर दी दोस्तों बताऊंगा, क्योंकि लाहौर 1947 की हाइप कम कर दी भाई पूरी। मतलब कुल मिला के स्काई फोर्स की हाइप लाहौर 1947 से ज्यादा हो रही है, और राजकुमार संतोषी जी कहां गुम हो गए समझ नहीं आ रहा। आमिर खान किस नशे में है समझ नहीं आ रहा, क्या उन्होंने कोई नशा कर लिया, क्योंकि आजकल लाइव में भी वो नशे में आ रहे दोस्तों। आजकल लाइव के अंदर भी मैंने देखा उनकी वीडियो, वो भाई सब सिगार क्या पीते हो अंग्रेजी में वो पी रहे भाई लाइव आके। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, भाई चल क्या रहा यार। आमिर खान इतने बड़े एक्टर है, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े प्रोड्यूसर, आखिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट को क्या हो गया है। फिल्म को रिलीज होने के लिए 3 महीना भी नहीं बचा हुआ है, और लाहौर 1947 का एक ऑफिशियली पोस्टर तक नहीं आया कि फिल्म कब आ रही है। और वहीं दोस्तों स्काई फोर्स जो कि ऑफिशियली कंफर्म होने जा रही है, जल्दी से दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार जो है जल्दी ही एक अपडेट लेके आने वाले हैं स्काई फोर्स की रिलीज डेट को लेकर। एंड अब तो पिंक मिला ने भी, अमर कौशिक जो इस फिल्म के दोस्तों डायरेक्टर है भाई, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया। तो दोस्तों क्या है माजला, लाहौर 1947 वर्सेस स्काई फोर्स, सन्नी देओल क्यों शांत बैठे हैं, क्यों लाहौर 1947 कोई खबर नहीं आ रही है, क्यों लाहौर 1947 पर टीजर की ऑफिशियली पोस्टर की कोई अपडेट नहीं आ रही है, क्या है माजला, क्या ये भी फिल्म पोस्टपोन होगी, क्या स्काई फोर्स दोस्तों सोलो रिलीज होगी। दोस्तों बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपका भाई रवि चौधरी आ चुका है और पूरी खबर लेकर आए। वीडियो कौन सा देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी प्यार देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों इंतजार करोगे रवि भाई जल्दी से वीडियो लाओ आखिर लाहौर पे क्या चल रहा है, क्योंकि लाहौर पे कोई अपडेट नहीं दे रहा है। पूरे यूट्यूब में देखूँ दोस्तों तो लाहौर पे कोई अपडेट नहीं दे रहा, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा लाहौर पे। स्काई फोर्स पे बहुत वीडियो बन रही है, बट लाहौर पे कुछ भी अपडेट नहीं है। और क्या यही हमारी वीकनेस है, क्या बस हमने इसलिए सन्नी पाजी को सपोर्ट किया है कि भैया हम उसकी लाहौर 1947 पे अपडेट नहीं आ रही है। अरे अगर लाहौर 1947 पे अपडेट नहीं आ रही है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती दोस्तों कि लाहौर 1947 पे प्रमोशन करें, उसकी हाइप बनाए। और आप लोगों की मेहनत से ही तो इतनी हाइप बनी है कि लाहौर 1947 चर्चा का विषय बनी पड़ी है, उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है दोस्तों। अगर आप भी सपोर्ट नहीं करोगे लाहौर 1947 का, अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब लोग स्काई फोर्स, सब लोग किंग मूवी, सब लोग अलग अलग मूवी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं साउथ की मूवी का। तो क्या हमारा इतना भी रोल नहीं बनता कि हम सन्नी पाजी की लाहौर 1947 की अपडेट नहीं आ रही, मानता हूं, लेकिन मैं इसकी अपडेट नहीं भी आ रही तो इसकी प्रमोशन तो कर रहा हूं ना दोस्तों। क्या इतना भी नहीं बनता हम फैंस के लिए कि हम लाहौर 1947 की हाइप बना सके, तो फिर तो दोस्तों हमें लालच है अपने पीआर पे, अपने इस चीज़ों पे। तो दोस्तों लाहौर 1947 को हम प्रमोशन कर रहे हैं, और आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग चाहते हैं कि लाहौर 1947 ब्लॉकबस्टर जाए, तो वही कृपया करके इस वीडियो को देखना और लाइक कमेंट ठोकना। देखो दोस्तों सबसे पहले तो कुछ लोग मुझे तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया पे, कई सारे जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि रवि चौधरी जो है वो डिफेम कर रहा है, सन्नी पाल जी के खिलाफ गलत बातें बोल रहा है। कभी ऐसा लगा आपको ऐसी बातें चल रही है? कुछ लोग तो मुझे तो हंसी आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं FIR कर दिया, क्राइम पेट्रोल कर दिया, साइबर क्राइम कर दिया। भाई साहब पगला गए हैं कुछ लोग, 50 साल की उम्र में ना बुढ़े लोग पगला जाते हैं। 50 साल की उम्र ऐसी होती है, मैं समझ सकता हूँ, जहाँ पे दुख दर्द से गुजरा हुआ इंसान क्या ही करेगा 50 साल की उम्र में। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी तो हम यंग युवा है, करने जो वो कर रहे हैं भैया, अपना काम है सन्नी पाजी को सपोर्ट करना, और हम करते रहेंगे मरते दम तक। सो गाइस पहली बता दूं मैं लाहौर 1947 और स्काई फोर्स, सबसे पहले स्काई फोर्स के बारे में बताता हूँ जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है, और क्या है माजला, क्यों अक्षय कुमार ले रहे हैं पंगा। तो दोस्तों देखो यार, छपरी लोग मार्केट में बहुत है, और ये छपरी लोग जो है ना दोस्तों, पहली बात तो इन्होंने तंज कस रखा है, जानबूझ के जितने भी आंडू पांडू लोग हैं जो हमें बरसों से परेशान कर रहे हैं कि भैया नहीं सनी देओल की फिल्म डब्बा बंद हो जाती है, सनी देओल की फिल्में साइन तो करते हैं पाजी, लेकिन सनी देओल की फिल्में चलती नहीं, डब्बा बंद हो जाती है। और ऐसे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सूर्या सफर जन्मभूमि नहीं आने की, भाई ऐसे लोग विचार बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल बना दिया सनी पाजी के खिलाफ, जहाँ पर लोग जो है सनी पाजी को एवई समझ रहे हैं। क्या सन्नी पाजी आपको लगता है कि एवई है गाइस, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके मेरे को आपके इंतजार रहता है कमेंट का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी मैं स्काई फोर्स की बात करूं, तो अभी पिंक विला रिपोर्ट का मैंने न्यूज़ पढ़ा, एक पॉडकास्ट देखा, जहां पर हिमेश माकंड जो पिंक विला के ऑनर है, उन्होंने बेसिकली दोस्तों अमर कौशिक का इंटरव्यू लिया, और अमर कौशिक वही है जो स्त्री 2 के दोस्तों डायरेक्टर है। अमर कौशिक जी हाँ दोस्तों, मैडॉक फिल्म्स भाई, उन्होंने साफ साफ ये बोला हुआ है कि वो स्काई फोर्स फिल्म को भी, क्योंकि स्त्री 2 के साथ स्काई फोर्स का टीजर आया था आपको याद होगा, एंड स्काई फोर्स कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं साफ साफ बड़ी महफिल में कह रहे हैं कि भैया स्काई फोर्स ऐसी फिल्म होने वाली है जो अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस आप देखते रह जाओगे। स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो पैट्रियोटिक फिल्म है, एंड इसकी रिलीज डेट ऑफिशियली आ चुकी है। जी दोस्तों अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि 24
तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, 24 जनवरी 2025 को फिल्म रिलीज हो रही है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में दोस्तों, और ये इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन पहले आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, 24 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है दोस्तों। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 24 जनवरी 2025 को फिल्म आ रही है स्काई फोर्स। वहीं दूसरी तरफ बुक माई शो पे 5400 इंटरेस्ट। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की तारीफ अमर कौशिक ने कर दी है और ये भी कह रहे हैं कि स्काई फोर्स बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। लाहौर 1947 नहीं चलेगी शायद इसके पीछे, क्योंकि स्काई फोर्स में एक्शन है, एरियल एक्शन मूवी होने वाली है लाइक फाइटर ऋतिक रोशन की। एंड गाइज आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की इतिहास गवाह है, जब जब रिपब्लिक डे पर उनकी फिल्में आती है वो फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है। जैसे मैं कुछ रिपोर्ट लेके आया हूं दोस्तों, सौगंध 1991 में आई थी वो ब्लॉकबस्टर गई, ऐलान, खाकी, बेबी, एयरलिफ्ट, ये कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों अक्षय कुमार की जब जब ये अपनी फिल्मों को रिपब्लिक डे पर लेकर आते हैं और खास तौर पे पेट्रोटिक फिल्में लेकर आते हैं, फिल्में चलती है गाइस, चलती है अक्षय कुमार की। और ऐसा रहा तो फिर लाहौर का क्या होगा। और स्काई फोर्स के अंदर दोस्तों आपको बता दूं कि सारा अली खान भी मौजूद है, निमरत कौर है, निमरत कौर एयरलिफ्ट वाली एक्ट्रेस। सो स्काई फोर्स की बुक माई शो पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रहे हैं, कैंपेन हो रहे हैं और अक्षय कुमार तो अभी से तैयार हो चुके हैं स्काई फोर्स की प्रमोशन के लिए। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि लाहौर 1947 को क्या सांप सूंघ गया है क्या, कुछ अपडेट नहीं आ रही है, कुछ टीजर नहीं आ रहा है। सितारे ज़मीन पे भी यही हुआ, एंड टाइम पे पोस्टपोन कर दिया, इमरजेंसी पोस्टपोन हो गई। सो दोस्तों क्या आपको लगता नहीं है कि लाहौर 1947 पोस्टपोन हो सकती है? यार राजकुमार संतोषी अभी तो बहुत दिन बाकी है, 3 महीना, लेकिन यार इतना भी टाइम नहीं बचा यार, लाहौर 1947 की प्रमोशन भी तो करनी है, कैंपेन चलाने हैं, बुक माई शो पे इंटरेस्ट नहीं आया, एक फोटो नहीं आई, एक तस्वीर नहीं आई संदीप जी की, हम क्या उम्मीद करें कि क्या ये फिल्म आएगी? अभी भी आपको पूरे चांस लगते हैं दोस्तों। तो मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि गलती से लाहौर 1947 इधर पोस्टपोन हुई एंड 24 तारीख को स्काई फोर्स रिलीज के साथ कंगना रनौत स्काई फोर्स के साथ क्लैश ना कर दे अपनी फिल्म, क्योंकि दो फिल्में क्लैश हो सकती है। लेकिन अगर लाहौर 1947 पोस्टपोन हुई तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। क्योंकि कंगना रनौत, जहां तो मुझे पता चला है, कंगना रनौत पूरे चांसेस लेके बैठी है, उनको कोई डेट नहीं मिल रही है, इस साल की कोई डेट वो लेना नहीं चाहती, 3 महीने रुकने को तैयार है और वो चाहते कि पेट्रियोटिक फिल्म इमरजेंसी और इसको रिपब्लिक डे पर रिलीज किया जाए। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर लाहौर 1947 पोस्टपोन हुई, स्काई फोर्स के साथ जो कंफर्म आ रही है रिपब्लिक डे पे, इमरजेंसी क्लैश कर देगी कंगना, और भाई साहब इमरजेंसी क्लैश हो गई तो बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा अक्षय वर्सेस कंगना का। ये न्यूज़ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे के इंट्यूशन से जो आपको मैं बता रहा हूँ गाइज, लेकिन मैं अभी भी खफा हूँ राजकुमार संतोषी से, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उनका सपना है, लेकिन दोस्तों कोई अपडेट नहीं आ रही लाहौर 1947 पे, बुक माई शो पे 0 इंटरेस्ट शो हो रहा है और घटिया से घटिया फिल्में भी 3 महीने पहले 50,000-1,00,000 का इंटरेस्ट शो कर देती है। ऐसे में जहाँ पर लाहौर 1947 500 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, कम से कम 60 करोड़ की ओपनिंग लेके चल रहे हैं दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं हुआ, मांगे चलिए 19 तारीख को अगर टीजर नहीं आता लाहौर का, पोस्टर नहीं आता, दिवाली भी चलो इंतजार कर ले, दिवाली भी नहीं आता, तो उसके बाद क्या ही बचता है? क्या आपको लगता है कि भाई साहब दिवाली के बाद कुछ फेस्टिवल है, कुछ ऐसे ओकेजन है? नहीं बचते दोस्तों। क्या अब क्या 1 महीने पहले दिसंबर में ही सब कुछ रिलीज किया जाएगा, दिसंबर में टीजर आएगा, दिसंबर में कैंपेन चला जाएगा? तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे सोच रहे राजकुमार संतोषी अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस का हिट दिलाने के लिए, सुपर हिट दिलाने के लिए, तो भाई ये अप्रोच गलत है। और ऐसा रहा तो मुझे लगता है दोस्तों राजकुमार संतोषी को फिर तो फिल्म लाना नहीं चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में घंटे उखाड़ पाएंगे कुछ और ना हम 1 महीने में इतनी प्रमोशन कर पाएंगे। सो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट लाहौर 1947 को लेकर, स्काई फोर्स को लेकर, इमरजेंसी को लेकर। एंड गाइस वाकई में अक्षय ने तो पंगा ले लिया भाई, अक्षय ने गदर 2 के टाइम पे पंगा लिया, अभी भी पंगा ले लिया, और जब जब पंगा लेता अक्षय सन्नी से, ऑफ कोर्स अक्षय कुमार की फिल्में चलती है, उसको पता है कि भाई साहब कैपेसिटी इशू होगा, मेरी फिल्म चलेगी, शोज ऑफ कोर्स मिलेंगे मेरी फिल्म को, और भाई साहब जनता मेरी फिल्म को देखेगी किसी भी कारण से। तो दोस्तों उम्मीद है लाहौर 1947 का जल्दी से कोई बड़ा अपडेट है, और नहीं आता है दोस्तों तो हमें इसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी जाए। गाइस लाइक कमेंट करो, अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करो, और रात को 9 बजे लाइव आऊंगा। और जो जो छपरी लोग लाहौर 1947 को गलत बता रहे, हेट फैला रहे, उसको तो हम यही बोलेंगे भैया बस वेट एंड वॉच, एक दिन यही फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद गाइस।